ये चार जो युग है, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इनमें फर्क क्या है? क्या ऐसा अंतर है जो इनको अलग अलग विशेषताएं देता है? कि वो अमर है, वो आज भी हमारे साथ धरती लोग इंडिया में है, हमारे बीच। तो ऐसे और चिरंजीवी या ऐसे अमर लोग हैं? बहुत सिमिलैरिटी है अपने कल की और जैसे हमारा वर्ल्ड एंड होगा और बाकी कुछ धर्मों में। तो इसके बारे में कुछ टिप्पणी है आपकी? क्या अभी हम कलयुग के ऐसे स्टेज में है कि हम चरम सीमा में हैं, या ये और बढ़ेगा भी आगे? तो ऐसा कौन सा राक्षस या दैत्य आएगा जो जिसे हमें बचाव चाहिए होगा? मुझे लगता है उनके पास भी होंगे कुछ पावरफुल ब्रह्मास्त्र जैसे चीजें। व्यक्ति की आयु जो है वो महज 20 वर्ष रह जाएगी। कल की कहां और कब उनका जन्म होगा? तो क्या उनके साथ कोई और भी उन्हें विद्या देगा? क्या ये सच है कि कलयुग सबसे मुश्किल है? वेलकम टू द ओकल शो। आज हम इस पॉडकास्ट पे विष्णु जी के कल के अवतार के बारे में जानेंगे और हम ये जानेंगे कि वो क्यों, कब, किस लिए कलयुग में अवतरित होंगे और क्या उनके आने से कलयुग अंत होगा और सत्ययुग की स्थापना। इन्हीं सब इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पे आंसर्स जानने के लिए एंड तक बने रहिए। और आज हमारे डिस्कशन में साथ देने के लिए हमारे साथ है मिस नीलम वर्मा मैम। नमस्कार। जो वास्तु एक्सपर्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट है और उनके पास 28 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। तो चलिए हम ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं और जानते हैं कि कलयुग या युगों के बारे में। अगर हम युग की बात करते हैं तो हमारे शास्त्रों में और सनातन धर्म में, वेदों में चार युग बताए गए हैं। पहला सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग की बात अगर हम करते हैं तो सतयुग में देवता, दानव, किन्नर, गंधर्व सब एक साथ रहते थे। त्रेता युग में भगवान राम आए और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आए और अब कलयुग चल रहा है। और कलयुग का अंत होते होते शायद कोई भगवान अवतरित हों इस धरती पर। ओके मैम, तो ये चार जो युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इनमें फर्क क्या है? क्या ऐसा अंतर है जो इनको अलग अलग विशेषताएं देता है? इनमें अगर हम सतयुग की बात करते हैं तो सतयुग में जितने भी देव थे या असुर थे वो एक ही लोक पे इकट्ठे रहते थे। उसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में भगवान राम आए, उसमें भगवान राम और रावण एक ही पृथ्वी लोक पर रहने लगे। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और कंस की बात हम करते हैं, वो एक ही परिवार में रहते थे, मतलब अच्छाई और बुराई वो एक ही परिवार में आ गई। लेकिन कलयुग में एक व्यक्ति के अंदर ही अच्छाई और बुराई का समावेश है, मतलब अच्छाई और बुराई बिल्कुल साथ साथ एक ही व्यक्ति के अंदर रहती है। जैसे मैम आपने बताया कि कलयुग में बुराई और अच्छाई दोनों एक इंसान के अंदर होती है। तो मुझे लगता है इस जमाने में हर बंदा, हर महिला अपने अंदर से एक बुराई या अच्छाई, उन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्टेड रहता होगा। तो क्या अभी हम कलयुग के ऐसे स्टेज में है कि हम चरम सीमा में है, या ये और बढ़ेगा भी आगे? कलयुग की आयु की अगर हम बात करते हैं तो कलयुग की आयु हमारे वेदों में, शास्त्रों में जो बताई गई है 432,000 वर्ष। 4,00,000 साल जी। और आज से करीब 3,102 ईसा पूर्व कलयुग का प्रथम जो चरण था वो शुरू हो चुका था। अच्छा। जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी लोक से विदा ले रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि 5,125 वर्ष जो है वो कलयुग के बीत चुके हैं और 4,26,875 वर्ष अभी कलयुग के बाकी हैं। बाकी है। तो अगर ऐसा देखा जाए तो जो हिंसा आजकल हम देख रहे हैं, जो दुनिया में चल रही है, वो इस 5,000 साल में हो रही है। तो आगे अगर 1,00,000-2,00,000 साल जाए हम लोग, जो हिंसा है वो कितनी बढ़ जाएगी। तो मतलब बुराई चरम सीमा में पहुंचने वाली है।
बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि आज कलयुग में हिंसा कितनी बढ़ चुकी है और कलयुग का अंत आते आते तो ऐसा कहा जाता है कि बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर पाप पहुंच जाएगा और व्यक्ति की आयु जो है वो महज 20 वर्ष रह जाएगी। 20 वर्ष तो बहुत कम है। हाँ, और इसके साथ साथ ऐसा भी हमारे शास्त्रों में उल्लेख किया गया, जैसे विष्णु पुराण की अगर हम बात करते हैं तो विष्णु पुराण में कलयुग के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बताया गया है। जी नाइस। तो अगर हम बोला जाए तो जैसे कि श्री कृष्ण राम ये दोनों लोग संहार करने आए थे रावण और कंस का, तो क्या कलयुग का जो एंड होने वाला है वो एंड करने कौन आएगा, ऐसा कुछ है? बिल्कुल है। विष्णु पुराण में जब जहाँ कलयुग के विषय में बताया गया है वहीं श्रीमद् भगवत पुराण के 12वें स्कंद के 24वें श्लोक की अगर हम बात करें तो उसमें बताया गया है कि जब गुरु चंद्रमा और सूर्य एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब भगवान श्री हरि विष्णु कल्कि अवतार में इस धरती पर जन्म लेंगे। आपने वो गीता का श्लोक सुना होगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मान्यम सृजाम्यहम्। कि ये जो श्लोक है ये यूं समझ लीजिए कि जब निराशा के घने बादल छाए हों तो उसके बीच में से एक ज्ञान की रोशनी का जो एक पुंज निकलता है ये उसके समान है। भगवान कहते हैं मैं अवतार लेता हूँ, मैं स्वयं साकार रूप में धरती पर प्रकट होता हूँ, जब जब इस पृथ्वी पर मेरी ज़रूरत पड़ी है और पापियों का बहुत ज़्यादा संहार बढ़ गया है तो मैं धरती पर अवतरित होता हूँ और इनका संहार करके पुनः धर्म की पताका को फहराता हूँ। जी, और भगवान का जो ये अवतार है कल्कि अवतार है ये कलयुग के बिल्कुल अंत में जाके होने वाला है। मतलब अभी कुछ 4 लाख साल हम इंसानों को वेट करना पड़ेगा जबकि हमें कल के अवतार के दर्शन होंगे। जी, और अगर हम देखें कि भगवान विष्णु का ये 10वां अवतार होगा और आखिरी अवतार होगा, और आपने शायद बहुत सारे धम्म स्थानों में देखा भी होगा कि भगवान कल्कि की मूर्ति जो है वो कई मंदिरों में स्थापित भी की जाती है और ये ही एक ऐसा अवतार है जिसकी पूजा उनके अवतरण से पहले ही हम लोग कर रहे हैं। हाँ जी, और भगवान का जो ये अवतार है ये कल्कि जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। सावन मास की जो शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि आती है उसको हम कल्कि जयंती के रूप में मनाते हैं। तो मतलब कल्कि अवतरित होने से पहले से ही हम लोगों को पता है कल्कि हमारे लिए आने वाला है। तो ये बहुत बड़ा एक संकेत है कि हम इंसानों को हम ह्यूमैनिटी को अपने कर्म साफ रखने पड़ेंगे क्योंकि नहीं तो हमारा अंजाम बहुत गलत होने वाला है एंड ऑफ द कलयुग तक। सो मैम, जैसे हमें पता है कि कल्कि अवतरित होंगे तो वेदों में से लिखा जा रखा है कि कल्कि कहाँ और कब उनका जन्म होगा? बिल्कुल, ऐसा उल्लेख किया गया है कि कल्कि का अवतार कहाँ होगा और किस तिथि को होगा, किसके घर होगा। और भगवान श्री हरि विष्णु जी का जो पुराण है विष्णु पुराण उसमें बहुत साफ लिखा है इस बारे में, और कल्कि उप पुराण भी है एक, उसके अंदर भी भगवान कल्कि के अवतार की सारी जो जानकारी है वो दी गई है। वैसे तो हमारे 18 पुराण हैं, जैसे विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, और जो पुराण है उसमें ब्रॉड इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो उप पुराण होते हैं उसमें किसी एक विशेष भगवान के बारे में जानकारी दी जाती है। ऐसे ही कल्कि उप पुराण के में भी भगवान कल्कि के अवतार के बारे में सारी जानकारी दी गई है। एक श्लोक भी आता है कि संबल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशस कल्कि प्रादुर्भविष्यति। अर्थात उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास संभल नाम का एक गाँव होगा जिसमें भगवान एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे जिनका नाम होगा विष्णु यश, उनके यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेंगे। हाँ जी, और ये जन्म होगा सावन मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को। तो मतलब इतना डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दे रखा है कल्कि जी के बारे में अपने पुराणों में। तो जैसे ये बढ़ेंगे इनको कौन विद्या देगा, इनका ज्ञान कौन, उनके फादर
हो सकता है कि वो विद्वान है, जैसे आपने बताया वो श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे, तो क्या उनके साथ कोई और भी उन्हें विद्या देगा? अगर हम इनकी फैमिली की बात करें, परिवार की बात करें, तो इनके पिता का नाम मैंने आपको बताया विष्णु यश होगा, इनकी माता सुमति नाम से होंगी, इनकी दो पत्नियां होंगी, दो पत्नियां जी, एक तो लक्ष्मी रूपी पद्मा और एक वैष्णवी रूपी रमा, और चार इनके पुत्र बताए जाते हैं, जय, विजय, बलाहक और मेघमाल। अच्छा। इनके तीन भाई होंगे, सुमंत, प्रयाग और कवि। गुरु इनके होंगे भगवान परशुराम, परशुराम जी, जी, जी। भगवान परशुराम भी जो है वो भगवान विष्णु के छठे अवतार कहे जाते हैं, और इनको आवेश अवतार भी कहा जाता है, थोड़ा उग्र स्वभाव होने के कारण इनको भगवान का आवेश अवतार कहा जाता है। तो भगवान परशुराम जो होंगे वो इनके गुरु होंगे, और भगवान परशुराम से आदेश पाकर ही ये भगवान शिव जी की उपासना करेंगे और दिव्य अस्त्र शस्त्रों को प्राप्त करके पापियों का संहार करेंगे। संहार करेंगे जी। पापियों से याद आया कि जैसे त्रेता द्वापर में हमारे पास रावण, कंस जैसे बड़े बड़े राक्षस, उनके नाम है जिससे हम डरते हैं कि अगर वो इस जमाने में होते तो कैसा होता। तो जब कलयुग ऐसे सीमा में पहुंच जाए कि कल्कि का हमें जरूरत होगी, तब ऐसा कौन सा राक्षस या दैत्य आएगा जो जिससे हमें बचाव चाहिए होगा, ऐसा कोई विवरण है? देखिए, कंस की बात करें या रावण के बारे में हम बात करते हैं तो वो मनुष्य रूप में थे, ठीक है, लेकिन कलयुग में कौन दानव है? लालच, हिंसा, महिलाओं के साथ हिंसा हो रही है, जुआ है, शराब है, तो ये भी राक्षस का ही रूप है। इनको नाम दिया गया है कली राक्षस। कली राक्षस। और एक और मैं आपको बात बताती हूँ कि आपने महाभारत के दुर्योधन के बारे में तो सुना ही है, तो दुर्योधन को भी जो है ये कली का ही अवतार माना जाता है। क्योंकि दुर्योधन को भी आपको पता है कि उसके अंदर भी कितनी बुराइयां थी, जैसे कि हम आज लालच, हिंसा, जुआ, शराब, महिला हिंसा की बात अगर हम करते हैं तो उन्होंने भी महिला हिंसा उस टाइम पे द्रौपदी के साथ, हाँ, तो ये राक्षसी हैं जिसको हमने कलयुग से कली का नाम दिया है, कली राक्षस, और इनके लिए भगवान कल के रूप में आएंगे और इनका संहार करेंगे। जी, तो ये बहुत ज्यादा डिटेल लग रहा है, मुझे लगता है कली बहुत पहले से प्रेजेंट था पर अभी कलयुग में उसकी चरम सीमा और उसका जो पावर है ना वो इंक्रीज हो रहा है, जिससे हम इंसानों के लिए मुश्किलें आ रही है बहुत ज्यादा। और जैसे आपने अस्त्र शस्त्र की बात की तो मुझे लगता है उनके पास भी होंगे कुछ पावरफुल ब्रह्मास्त्र जैसे चीजें। अग्नि पुराण के 12वें स्कंद में इसका उल्लेख मिलता है कि कल्कि भगवान 64 कलाओं से परिपूर्ण होंगे, 64 कलाओं से परिपूर्ण होंगे, और वो घोड़े पर आएंगे, किसी जहाज पर नहीं, किसी रथ पर नहीं, वो एक सफेद रंग के सुंदर से घोड़े पर आएंगे जिसका नाम होगा देवदत्त। देवदत्त। और ऐसा कहा जाता है कि परशुराम जी से निर्देश पाकर जब वो भगवान शिव की आराधना करेंगे और दिव्य अस्त्र शस्त्रों को प्राप्त करेंगे, उसके साथ साथ उनके पास एक चमचमाती तलवार होगी और धनुष कमान भगवान राम की तरह उनके कंधे पर विराजमान होगा। मतलब वन मैन आर्मी जैसे वो कल्कि का संहार करने के लिए रेडी रहेंगे। बिल्कुल मतलब। जी, तो जैसे आपने भी परशुराम जी की बात करी जो अपने विष्णु जी के छठे अवतार है, और मैंने बहुत सुना है लाइक कि वो अमर है, वो आज भी हमारे साथ धरती लोग इंडिया में है हमारे बीच, तो ऐसे और चिरंजीवी या ऐसे अमर लोग हैं? बिल्कुल ठीक सुना आपने, ऐसा वेदों में, शास्त्रों में, हमारे धर्म में, सनातन धर्म में कुछ ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है जिन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है, जो चिरकाल तक बिल्कुल जीवित रहेंगे। चिर कौन सा काल? चिरकाल मतलब बिल्कुल एंड तक, लास्ट तक, बिल्कुल, हाँ। अच्छा। जब तक कलयुग चलेगा लास्ट तक वो इस धरती पर रहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि जिसमें भगवान हनुमान, पवनसुत हनुमान, भगवान राम के, भगवान विष्णु के अनन्य भक्त, और विभीषण, विभीषण जी, राजा बलि, गुरु भगवान परशुराम, कृपाचार्य जी हैं, और अश्वत्थामा है, अश्वत्थामा को शायद वो
कर्स मिला था कि तू अमर रहोगे। हाँ जी, और उनको बॉडी में वगैरह कीड़े वीड़े होंगे सब था। हाँ, मतलब उनका तो पनिशमेंट है। हाँ, अश्वत्थामा को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त हुआ हुआ है, और उसके साथ साथ एक महर्षि मार्कंडेय। मार्कंडेय, हाँ, मार्कंडेय के बारे में पहली बार सुन रहा हूँ। तो क्या ये ऐसा है कि बहुत अलग अलग जगहों के ऊपर है कि चिरंजीवी कौन है कौन नहीं है? देखिए, महर्षि मार्कंडेय के विषय में थोड़ा सा है, हाँ, क्योंकि बहुत सी जगह पर इनका नाम भी आता है जिनको कि सात चिरंजीवियों के साथ शामिल किया जाता है। अष्ट चिरंजीवी इनको माना जाता है, अष्ट आठवां चिरंजीवी माना जाता है। हाँ, अब भगवान हनुमान, आपको पता है कि कैसे रामायण सबने देखी है कि भगवान राम का उन्होंने साथ दिया और कैसे सीना फाड़ के भगवान के दर्शन कराए। विभीषण भी अनन्य भगत थे, और राजा बलि का भी जिक्र आपने सुना है। और वेद व्यास जी की अगर हम बात करते हैं, वो भी चिरंजीवी हैं क्योंकि उन्होंने महाभारत और कितने ही अनेक धार्मिक ग्रंथों का निर्माण किया है। तो ये चिरंजीवी जो है, ऐसा माना जाता है कि ये कलयुग के अंत तक भगवान कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। आपसे मेरी पहले भी इस बारे में बात हुई कि परशुराम जी जो है भगवान कल्कि के गुरु जी होंगे, वही इनको दिशा निर्देश देंगे ताकि पृथ्वी से पापियों का अंत हो सके, संहार हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो ये आठ या सात चिरंजीवी है वो कुछ ना कुछ तरीके से कल्कि अवतार की हेल्प करेंगे, या तो ज्ञान देने में होगा या वो स्किल्स देने में होगा कि उनको इतना श्रेष्ठ बना दे कि वो कलि को जड़ से उखाड़ दे एंड ह्यूमैनिटी की रक्षा करें। सनातन धर्म की तभी शुरुआत हो पाएगी जब ये दानव कलि जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और आप ये इमेजिन करिए कि कितना ज्यादा पाप बढ़ जाएगा कि भगवान खुद धरती पर प्रकट होंगे। अभी तो कहते हैं कि अभी तो आगाज है, आज ही हम देखें तो ये आगाज है, आगे देखते हैं कि अंजाम क्या होगा। बहुत ज्यादा मुश्किल है, मतलब मैं बोलूं तो अभी हम बहुत ज्यादा लीनियंट फेस में है कि जो भी अभी हिंसा देख रहे हैं, अभी हमें भगवान जी के खुद प्रकट होने की जरूरत नहीं पड़े, बट कुछ लाखों सालों में ऐसी जगह पहुंच जाएंगे हम लोग की हमें नहीं पता होगा कौन हमारा मित्र है कौन हमारा शत्रु है। शायद दैत्य दानव सब हमारे आपस में ही रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि धर्म का नाश हो जाएगा जब हम धर्म पर चलते हैं। किसी भी धर्म की अगर हम बात करें तो सभी एक ही जगह ले जाते हैं, सबकी शिक्षा एक ही है, लेकिन जब धर्म का नाश हो जाएगा, भगवान को मानने वाला कोई नहीं होगा, लालच हिंसा बुराई महिला हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी तो वो कैसे खत्म होगा? तो उसके लिए तो भगवान को आना ही पड़ेगा क्योंकि ये मनुष्य के बस के बिल्कुल बाहर हो जाएगा। ऐसा देखा जाए, जितना हमने आज चर्चा की है कि कलयुग शायद सबसे मुश्किल दौर है हमारे लिए, क्या ये सच है कि कलयुग सबसे मुश्किल है? देखिए, कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति में अगर बहुत बुराई है तो कहीं ना कहीं अच्छाई भी जरूर होती है। अभी तक हमने सिर्फ बुराइयों की बात की है, अब मैं एक अच्छाई की बात आपको बताती हूँ। एक बार क्या हुआ कि विष्णु पुराण में एक उल्लेख आता है कि पराशर ऋषि बैठे हुए थे। हाँ। उन्होंने मुनिजनों से बातचीत करनी शुरू करी, तो मुनिजनों ने पूछा कि ऋषिवर, आप कलयुग की बात कर रहे हैं, क्योंकि विष्णु पुराण में बहुत उल्लेख है कलयुग का, कि आप कलयुग की बात कर रहे हैं, कलयुग में ये होगा, कलयुग में पाप बढ़ जाएगा, बहुत बुराइयां बहुत बुराइयां, तो क्या कलयुग इतना बुरा होगा? क्या उसमें कोई अच्छाई नहीं होगी? तो ऋषि पराशर मुस्कुरा दिए और उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार की घटना का जिक्र उन्होंने किया कि महर्षि वेद व्यास जी अपने ऋषियों के साथ, अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए इसी के ऊपर चर्चा कर रहे थे, कलयुग के ऊपर, क्योंकि कलयुग की भविष्यवाणी तो हजारों हजारों वर्ष पहले ही की जा चुकी है। तो तब एक उनके शिष्य ने पूछा कि मुनिवर, कलयुग सत्ययुग त्रेता द्वापर, ये चार युग जो हैं सतयुग से शुरू हो के कलयुग पे खत्म होने जा रहे हैं, कोई तो श्रेष्ठ होगा इसमें से? जरूर जरूर, कोई तो एक होगा, कोई तो एक बेस्ट होगा, और वो कौन होगा, इसकी बड़ी जिज्ञासा है हमें।
तो महर्षि मुस्कुरा दिए, उन्होंने कहा कि बात कलयुग की हो रही है, सतयुग की हो रही है, त्वेता की हो रही है, द्वापर की हो रही है, तो मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि कलयुग इनमें से सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होगा। तो सारे हैरान हो गए। मैं भी हैरान हो गई। हाँ, कलयुग कैसे श्रेष्ठ हो सकता है जिसमें बुराइयां जो है अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाएंगी। वही तो कैसे? तो मुनिवर बोले कि सुनो, सतयुग में लोग तपस्या करते थे, मुनिजन जो थे वो जंगलों में जाके 10-10 साल 20-20 साल साधना में बैठे रहते थे। तो करीब 10 वर्ष अगर वो तप करते थे और उनको जो फल प्राप्त होता था 10 वर्ष के बाद, और 10 वर्ष के वो जो उनको फल प्राप्त होता था सतयुग में। अगर हम त्रेता की बात करें तो वो जो 10 साल का टाइम पीरियड है वो 1 साल में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, और कम हो गया कि अगर 1 साल अगर आप तप करेंगे तो आपको 10 वर्ष जितना फल प्राप्त होगा। अब हम आ जाते हैं द्वापर युग में। अगर हम 10 वर्ष जितना तप 1 महीना करते हैं तो हमें फल प्राप्त हो जाता है 10 वर्ष वाला सतयुग वाला। तो सब लोग बहुत हैरान हो गए कि यहाँ 1 महीने की बात आ गई तो कलयुग में क्या होगा। तो ऋषि कहने लगे कि कलयुग में 1 दिन के तप से आप फल प्राप्त कर सकते हो। अरे अरे, तो इसका मतलब कलयुग सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम भगवान से बहुत इजीली जुड़ सकते हैं क्योंकि भगवान भी शायद यही चाहते हैं कि तुम मुझसे जुड़ो तो सही, मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ, जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। तो कलयुग में जितना सतयुग में भगवान को पाना मुश्किल था, उतना ही कलयुग में पाना आसान है। और इसीलिए आप देखेंगे कि चाहे बुराइयां इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं, किंतु जगह जगह पर आप किसी भी धर्म को ले लीजिए, लोग जो है बहुत ज्यादा धीरे धीरे धार्मिक होते जा रहे हैं। अगर मैं यंग जनरेशन की बात करूं, आप भी मेरे साथ बैठे हैं, आपकी भी जिज्ञासा है बहुत, जी बहुत। तो आजकल बच्चे भी जो है अपने संस्कारों का जो है वो संसार को फॉलो करने लगे। अपने रूट्स पे वापस जा रहे हैं। वो पुरानी चीजें, वो पुरानी बातें, पुराने संस्कार, वेद धर्म, ये सब चीजों में उनका जो इंटरेस्ट है काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है ये सब जरूरी है अभी के लिए, क्योंकि अगर हम अभी इस पे कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो मुझे लगता है जो हमारा अंत आने वाले कलयुग की चरम सीमा पे, वो उससे हमें कोई नहीं बचा सकता, मतलब कल के आने से पहले तक। बिल्कुल। मैं ये बोलूंगा कि कलयुग में जितना हो सके उतना अपने धर्म और अपने शिक्षा के ऊपर ध्यान रखिए, एंड उससे डाइवर्ट ना हो, सो दैट आगे वाले तुमसे आगे जो आएंगे वो तुम्हें देख के आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। और वो फिर और आगे फॉलो अप होगा और वो गलत में ना जाए। पीढ़ी दर पीढ़ी अगर हम अभी संस्कार अपने बच्चों को देंगे, वही संस्कार वो आगे चलेंगे आगे देंगे, हाँ। तो उससे हो सकता है कि आने वाले टाइम में जिस बुराइयों की हमने अभी बात की है, जिन दानवों की हमने अभी बात की है, तो हो सकता है कि वो सब दानव पैदा ही ना हो, जरूरत ही ना पड़े। हाँ, तो इसके लिए हमें जरूर काम करना पड़ेगा। और एक चीज मैंने नोटिस किया कि मैं ये माइथोलॉजी टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे अलग अलग धर्मों में ये एक ही एक क्या कंक्लूजन है कि बहुत सिमिलैरिटी है अपने कल की और जैसे हमारा वर्ल्ड एंड होगा और बाकी कुछ धर्मों में। तो इसके बारे में कुछ टिप्पणी है आपकी? ऐसा मैंने बहुत जगह पढ़ा भी है कि अन्य धर्मों की हम बात करते हैं तो बहुत से धर्मों में इसी तरह का उल्लेख किया गया है कि कोई ना कोई अवतार आएगा। जब ये बहुत ज्यादा कलयुग का जब चरम सीमा आ जाएगी, पाप बढ़ जाएंगे धरती पर, तो कोई ना कोई अवतार जरूर आएगा और हर धर्म में इसका उल्लेख मिलता है। तो मतलब सबका अंत एक समान, बट उस सबको बचाने के लिए एक अवतार का आना जरूरी है। बिल्कुल। एंड इस पॉडकास्ट को अपने फ्रूटेशन पहुंचाने के लिए आई वुड रियली लाइक टू थैंक मिस नीलम वर्मा मैम, जो आज हमारे पॉडकास्ट में कल के अवतार के ऊपर चर्चा करी और एक नया परसेप्शन दिया, सो दैट मुझे और ऑडियंस को भी बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर्स मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और इस बहुत ही
महत्वपूर्ण विषय के ऊपर जो है हमने चर्चा की। जाते जाते एक मैसेज अपने दर्शकों को मैं देना चाहूँगी, एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट कहना चाहूँगी कि 2024 जो ये वर्ष है ये कर्मदाता शनि का वर्ष है। तो जैसा हम कर्म करेंगे वैसे ही हमें फल प्राप्त होंगे, तो इसीलिए अच्छे अच्छे काम कीजिए, अच्छे अच्छे कर्म कीजिए, किसी की भलाई कीजिए, ताकि भगवान भी आपको वैसे ही अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल देते रहे। इन्हीं शब्दों से आपसे इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। इसी प्रश्न के साथ हम आज के पॉडकास्ट का अंत यही करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे इतने सारे क्वेश्चंस का जवाब मिला है, वैसे आप सभी के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जिसका आपको डाउट था उनका भी जवाब मिला हो। और अगर आपको ऐसा कोई भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में आप क्यूरियस हो, नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करिए, जिससे हम अगला अवकल शो उसके बारे में बना पाए।